आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोग दुःख जनितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिना। कुछ समझ में आया? आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम। अरे 100 वर्ष की आयु आधी तो रात्रि में बीत गई बावड़े। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व। कुछ बालकपन भी बीत गई और कुछ तो इतना लड़कपन इतना बालकपन रखते हैं बुढ़े हो जाते हैं तभी बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो शेषम व्याधि। कुछ कभी कभी बीमारी बीमारी हो जाती है, भारी बीमारी, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, कभी दस्त। अब किसी को तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या उल्टे काम हो जाते हैं। शेषम व्याधि वियोग दुख जनितम, कभी कोई मर गिर गया, कभी कोई घर में शादी ब्याह आ गया। शेषम व्याधि वियोग दुख जनितम, कभी किसी की सेवा करने में लग गई, कभी माँ बापों की, कभी बच्चों की, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी गाय की, कभी भैंस की, कभी भेड़ की, कभी बकरी की, कभी हाँ अपनी सेवा में कितने लगे रहते हैं, बालों की सेवा में लगे रहते हैं, कुछ तो इन्हीं बालों में लटका झटकी में रहते हैं। आहा, इसी में ही मजा लेते रहते हैं। अरे बावड़े क्यों चक्कर में पड़ रहा है, ये तो मैं सिर धो के आया था इसलिए खोल रखे, मैंने बाल बांधने तब से शुरू किए। एक ने मेरे से बोला, बाबा जी आप जब बाल खोल के रखते हो तो बड़े सेक्सी सेक्सी लगते हो। अरे मैंने कहा बताओ इनके बाबा जी में भी सेक्सी सेक्सी दिखता है इनको। मैंने ऐसे बावड़ापन की बात करते हैं आप, ये आजकल के जमाने की भाषा हो गई। अरे भाई इन बाड़ों में क्या धरा है। ठीक है भगवान ने दे रखे। एक ने बोला बाबा जी आपने रख क्यों रखे। मैंने कहा तू बता तूने कटवा क्यों रखे। भगवान जी ने दे दिए हमने रख लिए। इसमें कौन सी बात है, ये सब स्वाभाविक है। भगवान की कुदरत की चीजों का बस जैसे है वैसे उसका भगवान की रचना का सम्मान करो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हो सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के कहे तेरी माया, ओ किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
भगवान ने सब कुछ बनाया भैया, तेरे शरीर की एक एक कोशिका, ये मिट्टी का एक एक कण और ये सारी धरती जमीन भगवान ने बनाया, तेरे बापों ने नहीं बनाया रे भाई। आदमी कहता मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा ऐश्वर्य, कुछ नहीं तेरा, सब कुछ भगवान का है। सुनो, मैं कह रहा था जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, बड़ा लक्ष्य बनाओ, और उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटी सीढ़ियों को चढ़ते हुए जीवन में शिखर आरोहण पाओ, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आर्थिक, राजनीतिक। सबसे बड़ा लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य। अध्यात्म सिखाता है तुम्हारे भीतर पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये लक्ष्य बनाओ, मुझे पूर्णता के साथ जीना है। ज्यादातर हमें कौन सी चीज दुखी करती है? अकेलापन, सुनापन। हमको ऐसा लगता है हम अभी अधूरे हैं। सच्ची बताओ रे जवानों, आधे है ना, ए बेटियो सेम टू यू। हाँ, हम सोचते रहते हैं मैं अधूरी हूं, ये सोचते रहते हैं मैं अधूरा हूं, कोई मुझे मिल जाएगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा। ये जवानों को ना एक पागलपन है, फिर दोनों मिल जाते हैं ना, फिर कहते हैं अभी भी अधूरे हैं, हमें कुछ हो जाएगा। बट लड़का लड़की हो जाएगी तो पूरे हो जाएंगे, फिर सोचते हैं बहू आ जाएगी तो पूरा हो जाएंगे। हमने ये चक्कर शुरू ही नहीं किया, मैंने कहा मैं पूरा हूं, मेरा गुरु भी पूरा है, मेरा भगवान भी पूरा है, और सारा ब्रह्मांड पूरा है, कोई अधूरापन नहीं कहीं पर भी, कहीं न्यूनता नहीं, कहीं अल्पता नहीं। ये पागलपन निकाल देना अपने दिमाग से, तुझ बिन तो मैं अधूरा था, आज मैं पूरा हो गया तुझे पाके। झूठी झूठी बातें बोलते रहते हो। तेरा दिमाग भगवान ने पूरा बनाया, तेरी आंखें भगवान ने पूरी बनाई, तेरे कान भगवान ने पूरे बनाए। बोल, पूरा सुनता है कि अधूरा सुन रहा है? तेरे हाथ भगवान ने पूरे बनाए, पांच की पांच उंगलियां, किसी किसी को तो छह छह और बना दी। हाथ पूरे बनाए, तेरे पैर पूरे बनाए, तेरा लीवर पूरा बनाए, तेरी किडनी पूरी बनाए, तेरा फेफड़ा, तेरा हार्ट, तेरा थायराइड, तेरा ब्लड, तेरे बोन्स, तेरा शुक्र, तेरा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रज, ओज, सब कुछ पूरा बनाया। तेरा दिल, दिमाग, सब कुछ पूरा बनाया। और सब कुछ पूरा पाकर के भी तू अधूरापन अनुभव करता है बावड़े? फालतू की बात, मैं अधूरा था, तूने आकर के मुझे पूरा कर दिया। ये झूठी झूठी बातें मत बोलना, बावड़ी बावड़ी बातें। ये है अध्यात्म। मेरे साथ बोलो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण वह संसार है। गाओ। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। सुनो, ये जग किससे पैदा हुआ? परमात्मा से। परमात्मा पूरा है कि अधूरा? जब परमात्मा पूरा है तो सृष्टि का एक एक कण पूरा है,
घास भी पूरी है, पेड़ भी पूरा है, सूरज भी पूरा है, चांद भी पूरा है, आग भी पूरी है, पानी भी पूरा है, धरती भी पूरी है, और तू बावड़ा, मैं अधूरा अधूरा, अधूरे ओछे, ये ओछी बातें छोड़, तू पूरा है और तू भी पूरा है, तेरी माँ भी पूरी है, तेरा पिता भी पूरा है, और शादी हो गई तो तू भी पूरा है, तेरी पत्नी भी पूरी है, झूठ मत बोलना एक दूसरे से, तुम्हारे बच्चे भी पूरे हैं, और तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर आना है तो तू स्वयं में ही पूरा है, तेरा गुरु भी पूरा है, तेरा परमात्मा पूरा है, न कुतश्चनु न पूर्ण से पैदा हुआ है इसलिए जग पूर्ण है, पूर्ण था पहले भी सब कुछ आज भी सब पूर्ण है, पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण कारो यदि पूर्ण ले लो शेष क्या रह जाएगा, शेष जो कुछ भी रहेगा पूर्ण ही कहलाएगा, पूर्ण घटता है न बढ़ता, पूर्ण घटता है न बढ़ा, एक रस एक सार है, पूर्ण वह परमा प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियाँ इनमें नहीं, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्यति वस्य कागम न ममार न जीर्यति, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि, इंद्रस्य युज्य सखा, भगवान को देख तो सही, भगवान खुद कह रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, हम भगवान को बाहर इधर उधर ढूंढते रहते हैं, अरे सब कुछ प्रभु में ही है, प्रभु का ही है, सारा जगत भगवान का विश्वमय रूप है और इसके परे भी वही है, तो कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, लोग इधर उधर के ढोंग आडम्बर पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए, पानी में मीन पियासी रे मोहि सन सनि आवत हासी, आत्म जान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगानाभि कस्तूरी बन बन फिरता उदासी रे मोहि सनि सनि आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस अठासी, सो तेरे घट माहि बराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सनि सनि आवत हासी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुर बिन भरम न जासी रे मोहे सनी सनी आवत हासी, प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इन में तीनों कालों में पृथकता पलक छिन छिन में नहीं, तीनों कालों में पृथकता पलक पल छिन में नहीं, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह प्रभु तो जानता जानता में पूर्ण, देखो भगवान अपनी पूर्णता में पूरा है, प्रकृति अपने आप में पूरी है, आत्मा अपने आप में पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, फिर पता नहीं अधूरापन, ये न्यूनता, ये अल्पता, और उसको पाने के लिए मैं ये पालूंगा तो पूरा हो जाऊंगा,
खाली पति पत्नी की बात नहीं, बोले जब तक इतने रुपए नहीं मिले तब तक मैं अधूरा हूँ, इतने पैसे मिल गए पूरा हो जाऊंगा, ये पद मिल गया तो पूरा हो जाऊंगा, ये सम्मान मिल गया तो पूरा हो जाएगा। अरे तू पूरा ही है, अपना काम कर बस बावड़े, जो भगवान ने जिसको लिए बनाया है अपना काम कर, सारी ये धरती ये सूरज ये चांद ये सारा ब्रह्मांड अपना अपना जिसके लिए जिसको बनाया अपना अपना प्रयोजन पूरे कर रहे हैं, बस तू अपना कर्तव्य का पालन कर। पूर्ण प्रभु तो जानता भी जानता हमें पूर्ण है, पूर्ण प्रभु तो जानता भी जानता हमें पूर्ण है, जड़ जगत निश्चेष्टता अज्ञानता में पूर्ण है, जड़ जगत निश्चेष्टता अज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ, पथिक दोनों का यहाँ सीमा रहित विस्तार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण प्रभु का भगवान की जय। तो कुछ समझ में आई बात? अधूरेपन के सपने जीने वालों जरा होश संभालो। बोले बाबा जी फिर तो हम भी बाबा ही बन जाएंगे, तो बन जा बाबा क्या दिक्कत है। निजातु कामः कामानां भोगेन उपशाम्यते अविशा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। आदमी सोचता मैं भोग भोग के सुखी हो जाऊंगा, आग में घी डाल के देखो और आज तक कोई बुझा के दिखा दो, जो कहोगे मैं वही कर लूंगा। आग में घी डाल के बुझा के दिखा दो, तुम कहोगे तो बाबा जी के कपड़े उतार करके गृहस्थी बन जाऊंगा, और नहीं तो तुम गृहस्थी सारे बाबा जी बन जाओ। आग में घी डालने से बोलो आग बढ़ती है कि घटती है? ऐसे ही कुछ भी भोग के देख लो, एक बार भोगने के बाद दोबारा भोगने की इच्छा होती है, चाहे खा के देख ले, चाहे पी के देख ले, चाहे सूंघ के देख ले, चाहे सुन के देख ले। आदमी ने कई क्विंटल बोरी रगड़ मारी अनाज की, आज तक तुम्हारी अनाज खाने की भूख मिटी? कितनों ने कितनी बोरी रगड़ मारी चीनी की, खत्म हुई तुम्हारी मिठास की प्यास किसी को तीखा खाने की? ना आंखें तृप्त हुई, जितना देखते जाते कहते और देख ले, ना कान तृप्त हुई लगता और सुन ले, न रसना तृप्ति बोला और खा ले, न वासना तृप्ति हुआ सोचता और भोग ले। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आदमी बुढ़ा हो जाता है फिर कहता अब काबू नहीं लग रहा, लेकिन मन नहीं भरा। भर ले मन बावड़े, क्यों चक्कर में पड़ रहा है? अरे तेरी तो औकात क्या है? ययाति बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसने कहा पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषया शक्त चेतसा तदप्य अनुद्रम तृष्णा ममते सुपजायते यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवा स्त्रियाः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मा तृष्णां परित्यजेत। सारी धरती का वैभव सुन लो कान खोल के दुनिया वालों, और मत वालो तुम जीवन जवानी में ना आदमी बड़े बेहोशी में रहता है, एक अलग ही मस्ती में रहता है वो। सुन लो, सारी दुनिया का ऐश्वर्य यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, भूख आदमी की कहां मिटती है? और ये एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे करके देख लिए घणों ने। हम तो वही इसलिए कहते हैं मान के चलो
और दिया हुआ जो भगवान ने दे दिया उसमें गुजारा कर लो और भाई मान के चल लो, सुखी रहोगे, नहीं तो ठोकर पर ठोकर खाओगे और पछताओगे। हम गुरुकुल में थे तब गाया करते थे भजने, मेरा सब कुछ लुट गया रहा इस दुनिया के बाजार में, फिर लुट फिट करके फिर यूं कहता ये क्या किया मैंने, मेरी तो जिंदगी, मेरी जवानी, मेरा रूप, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सौंदर्य सारा खत्म हो गया बावड़े। ए सुन लो जवानों, ब्याह ना हुआ हो तो अभी भी बच जाओ, मेरी तरह से योगी सन्यासी बन जाओ, और जिनका हो चुका है वो भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करो। बच्चा हो गया, अच्छा बताओ, संतान प्राप्ति के अलावा दुनिया का कोई भी जीव कोई भी शरीर संबंध करता है क्या? गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, हाथी हो, कीड़ा मकोड़ा, ये आदमी को पता नहीं कहां से पागलपन आ गया, वायरस आ गया। गाय भैंस से लेकर के शेर हाथी से लेकर के चींटी से लेकर के कोई भी सृष्टि का जीव संतान प्राप्ति के लिए ही शरीर संबंध करता है। अरे ये सुख नहीं है माँ बावड़े, यही तो अविद्या है। अनित्य असुचि दुख अनात्म सो नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं। सुन लो बच्चों, इसके लिए बुलाया तुमको। हम अनित्य पदार्थों को नित्य मानते रहते हैं, ये सारा संसार अनित्य है, इसको नित्य मानोगे तो दुखी रहोगे, ये सारे संबंध भी अनित्य है। आज जो गुरु बना है कल को चेला बन जाएगा, आज जो बाप बना है कल को बेटा बनकर के पोता बनकर के अपने घर में आ जाएगा, ये सारे संबंध भी अनित्य है, ये जीवन भी अनित्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बेकार है, ये मान करके जियो जीवन को तो दुख नहीं होगा। अनित्य असुचि अपवित्र पदार्थों को, अब शरीर में कितनी अपवित्रता है ऊपर से नीचे तक, इसमें मल मूत्र भरा पड़ा है, फिर भी आदमी इसी के पीछे बावड़ा हो रहता है, जवानी में तो पता नहीं क्या दिमाग खराब होता है। एक एक रोम रोम से दुर्गंध निकलता, मलमूत्र से दुर्गंध निकलता है, और फिर इसी से इतनी प्रीति, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ ओम नाम नित जपियो रे मनवा, ओम नाम नित जपियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, जो टिकाया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, या पीछे मत पड़ियो मनवा, मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।